Guys, assalamu alaikum and very welcome to my YouTube channel Use It Care Technology. So आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपने Zoom एप्लीकेशन पर अपनी ID कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्ले स्टोर ओपन करना है. प्ले स्टोर की सर्च बार में आपने लिखना है Zoom. Zoom पर Zoom लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर Zoom एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. अच्छा, सो जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है और ये एप्लीकेशन कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है आपके फ़ोन में, सो इसके बाद आपने ओपन पर लिखना है. ये एप्लीकेशन आपने ओपन करना है. सो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा. सो इसमें आपने जो मिड वाली ऑप्शन है साइन अप, इस साइन अप पर आपने क्लिक करना है. साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना बर्थ ईयर लिखना है, ठीक है? जो आपका बर्थ ईयर है वो आपने यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है? मैं अपना एंटर कर रहा हूँ. सो यहाँ पर मैं इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक किया. कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है? सो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया. इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है. कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आपने इंटर किया है उस ईमेल को आप चेक करेंगे. उस पर एक कोड OTP गई होगी 6 डिजिट का, वो आपने यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है? फिर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? अच्छा, सो यहाँ पर आपने जो है वो अपना नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर सेकंड नेम, ये भी आपने टाइप करना है, ठीक है? और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना है, ठीक है? यहाँ पर नीचे अगर आप चेक कर ले तो ये आपको बता रहा है कि पासवर्ड में एटलीस्ट जो है वो 8 करेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए और एक अपर केस लेटर होना चाहिए, ठीक है? सो पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखना है. मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ. अच्छा, सो जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर रहे हैं तो ये आपको क्रिएट अकाउंट बटन नज़र आएगा. यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है. अच्छा, सो अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये आपकी बोला है कि आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर जो Zoom की साइट से नोटिफिकेशन आ रही है वो आपने यहाँ पर अलो करना है कि नहीं. सो यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर नोटिफिकेशन इनेबल नहीं करना चाहते तो नॉट नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी आईडी हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट की आईडी हो तो वहाँ पर भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अभी मैं नॉट नाउ पर क्लिक कर रहा हूँ. या इससे आप फिंगरप्रिंट जो सिक्योरिटी कोड होती है वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल की जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं. यहाँ पर आप अपनी फैक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी नेम भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है? सो इसके बाद आपने फिक्चर भी यहाँ पर अपलोड करना है और इसके बाद नेम भी आपने लिखना है. इसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है. जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये एक और ऑप्शन है, ट्राई Zoom वर्कप्लेस प्रो फॉर फ्री, ठीक है? सो वर्कप्लेस जो Zoom का होता है प्रो वर्जन आप भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, सो यहाँ पर आप चेक कर ले यू आर रेडी टू गो, ठीक है? सो हमारा अकाउंट कम्प्लीटली जो है वो क्रिएट हो चुकी है. यहाँ पर हम न्यू मीटिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं ख़ुद. जब हमने स्टार्ट करना है तो यहाँ पर हम मीटिंग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, या फिर किसी की मीटिंग लिंक हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. जो आपको लोग आईडी सेंड करते हैं वो आईडी आप यहाँ पर ऐड करके किसी की मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपने ख़ुद मीटिंग क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्टअप मीटिंग पर आपने क्लिक करना है, ठीक है? सो जैसे ही आप स्टार्टअप मीटिंग पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो है वो मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर आपने सब यहाँ पर इनेबल करना है, ठीक है? सो ये आपने सब यहाँ पर इनेबल करना है, ठीक है? कैमरा भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपने शेयर्स पर भी क्लिक कर सकते हैं. आप या अपनी मोबाइल स्क्रीन को जो है वो शेयर करना है सो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? पार्टिसिपेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इनवाइट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी लिंक जो है वो लोगों को शेयर कर सकते हैं, जो आपकी लिंक जो है वो ज्वाइन करके आपकी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो ये कुछ स्टेप है, ठीक है? नीचे और इसको आपने फिर क्लोज करना है तो यहाँ से आपने इसको मीटिंग को क्लोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है?
और यहाँ पर आप स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं मीटिंग में। सो ये कुछ सिंपल स्टेप्स है। यहाँ पर मोड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी शो हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ से आप बार कोड भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर कॉन्टेक्ट वगैरह सब की डिटेल यहाँ पर होती है। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।